हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y33S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक इफेक्ट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का। ऊपर की साइड ये जो बड़ी सी स्क्रीन दे रखी है ना, ये आपको सैंपल में दे रखी है। आपको नीचे की साइड ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस का आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाले बॉक्स पे मेरा पहले से टिक मार्क, ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसके बॉक्स के अंदर जो एनिमेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सबसे नीचे जो है इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एनिमेशन को हम ना चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप कोई भी दूसरा बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए एनिमेशन ये चेंज हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा कोई भी बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे इस एनिमेशन को चेंज करने के लिए, तो आपको लास्ट में नीचे ये अप्लाई का बटन जरूर दबाना है। ठीक है, तभी आपका ये एनिमेशन चेंज होगा। अब देखिए इस तरीके का एनिमेशन जो है ना मेरे मोबाइल फ़ोन की ऑफ स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। ये राउंड शेप में फिंगरप्रिंट का आइकन हो गया एनिमेशन का। अब इस तरीके से आप जो है ना फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को यहाँ इस सेटिंग के जरिए आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लेते हैं। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। ठीक है, इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का, ये इस तरीके से ये वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।